गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग केजीएस रेलवे में आप सभी का स्वागत है देखिए आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग 20 क्वेश्चन डेली लेकर आते हैं जो आपके लिए एल पी टेक्नीशियन दो हजार चौबीस के लिए महत्वपूर्ण है अति महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अति महत्वपूर्ण है आपके लिए चलिए देखिए यह ध्यान दीजिए यहां पर पहला क्वेश्चन आपके लिए ये हमारा तो ये साइंस है रेलवे एल पी टेक्नीशियन दो हज़ार चौबीस के लिए हमारा साइंस हो गया ये तो ये तो आप लोग देख रहे हैं सब देख लिए यहाँ पर साइंस है प्रैक्टिस सेट थर्टी सिक्स है आए हुए प्रश्नों पर आधारित हम लोग देखेंगे शाम सात बजकर दस मिनट से शाम सात बजकर दस मिनट पर यह लाइव होती है डेली ये <laughs> देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा दांतों की कठोर इनामेल देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया एक बात बताइएगा मानव शरीर का सबसे कड़ा भाग कौन होता है इनामेल होती है और सवाल करें कि दांतों की कठोर इनामेल परत क्या है मान मानव शरीर का सबसे कड़ा भाग होता है इनामेल होता है इनामेल के कारण ही दांतों का रंग उजला होता है इनामेल के कारण ही दांतों का रंग व्हाइट होता है व्हाइट होती है और इनामेल की प्राकृतिक क्षारीय होती है डेट मीन्स इसका पीएच मान सात से ज़्यादा होती है सात से ज़्यादा होती है तो कह रहा है कि इना मेल ये बताइए इना मेल जो होती है इना मेल क्या चीज का बना होता है तो ये होता है इना मेल जो होती है यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है सी ए थ्री पी ओ फोर का होल्टवाइस इसी का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट इसको कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट होती है और याद रखिएगा इसकी प्रकृति जो होती है इसकी प्रकृति जो होती है ये बेसिक होती है ये कहिएगा बेसिक नेचर का होता है क्षारीय प्राकृति की होती है ये ये क्षारीय प्रकृति की होती है मानव शरीर का सबसे करा भाग होता है कहिएगा मानव शरीर का मानव शरीर का करा भाग होती है करा भाग होती है इनामेल दांतों का रंग उजला इसी के कारण होती है दांतों का रंग उजला कहिएगा उजला दांत उजला दांत होती है इसी के कारण उजला दांत का कारण कारण यही है उजला दांत का कारण यही है यही है जिसका नाम है इनामेल इनामेल होती है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है इनामेल यही ना हमारा इनामेल ही ना क्षतिग्रस्त होता है जब हमारे मुंह का पीएच मान पाँच पॉइंट पाँच से कम होता है दांतों का इनामेल क्षतिग्रस्त हो जाता है जिसको दंत अस्थि छय के नाम से जाना जाता है दंत अस्थि छय तो बताइए कैल्शियम कार्बोनेट नहीं भाभा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है सी ए सीओ थ्री इसी को कहते हैं मार्बल कहते हैं खड़िया के नाम से भी जाना जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इसका सूत्र होता है सीए ओ एच का होल ट्वाइस होती है इसी को कहते हैं भाखड़ा चूना कहा जाता है बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं कैल्शियम फॉस्फेट एंसर कौन हो गया सी नंबर कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम के नाम से जानते हैं लेकिन प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा एकदम राइट ऑप्शन सर बैच में केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा बैच में केमिस्ट्री आप किन से पढ़ना चाहेंगे ये बताइए अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं निम्नलिखित में कौन मूल राशि नहीं है मूल राशि की संख्या अगर देखा जाए तो सात गो होता है मूल राशि की संख्या जो होती है ना संख्या बराबर गो होती है और यह सातों में कौन नहीं है ज्योति तीव्रता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट इंटेंसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी ताप भी है दाब नहीं है हमारा दाब नहीं है विद्युत धारा है लेकिन हमारा दाब नहीं है कौन हो जाएगा आंसर कौन हो जाएगा आंसर यहां पर तो कहिएगा दाब हो गया प्रेशर हो गया अगला सवाल देख लीजिए क्या है इनमें इनमें से एक ल्यूकोसाइट नहीं है ल्यूकोसाइट की बात किया जाता है ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट की बात करते हैं तो ये डब्ल्यू होती है डब्लू पांच प्रकार का होता है ये ल्यूकोसाइट का मतलब डब्ल्यू होती है ये पांच प्रकार का होता है एक होता है हमारा मोनोसाइट मोनोसाइट होती है एक होता है लिम्फोसाइट होती है लिम्फोसाइट होती है यहीं पर देखिएगा तो बेसोफिल होती है बेसोफिल होती है यहाँ पर न्यूट्रोफिल होती है न्यूट्रोफिल होती है और यहाँ पर इोसिनो ईसिनोफिल होती है तो यह डब्ल्यू बी सी पाँच प्रकार का होता है यह सबसे छोटा होता है यह सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा में हमारा मोनोसाइट होता है सबसे बड़ा कहिएगा सबसे बड़ा होता है सबसे बड़ा होती है मोनोसाइट मोनोसाइट जो होती है ना सबसे बड़ा होती है सबसे बड़ा होती है मोनोसाइट ये हमारा सबसे बड़ा होती है सबसे बड़ा कौन सा हमारा डब्ल्यू सबसे बड़ा होती है मोनोसाइट याद रखिएगा लिम्फोसाइट जो होती है एंटीबॉडी का निर्माण करता है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है निर्माण करता है एकदम इसको तोड़ते चले जाइएगा एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट भी दो प्रकार का बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कह रहा है कि इसमें से कौन ल्यूकोसाइट नहीं है बेसोफिल भी है, भी, थ्रम्बोसाइट नहीं है थ्रम्बोसाइट्स कहा जाता है ब्लड प्लेटलेट्स को ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स को कहा जाता है ब्लड प्लेटलेट्स को कहा जाता है ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट के नाम से जानते हैं जो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं अगला सवाल क्या है ये अगला सवाल देखिए कार है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी पांच सेंटीमीटर है सिंपल माइक्रोस्कोप दिया हुआ है ना बाबा सिंपल माइक्रोस्कोप तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का खोज करता महान है। दूरी, दूरी पांच सेंटीमीटर है स्पष्ट दर्शन की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आवर्धन क्या होगा तो सबसे पहली बात समझ लीजिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी की बात किया जाए सूक्ष्म सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको कहा जाता है इसमें एक उत्तर लेंस होता है एक उत्तर लेंस होती है और वो भी कम फोकस दूरी वाला कम फोकस दूरी वाला कम फोकल लेंथ ये कम फोकल लेंथ वाला होती है कम फोकस दूरी वाला उत्तर लेंस होती है अगर इसकी आवर्धन क्षमता की बात करते हैं कि इसकी आवर्धन कैसे निकाला जाता है आवर्धन m सूत्र होता है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए और d का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर d बराबर सेंटीमीटर और f का मतलब उत्तर लेंस की फोकस दूरी और याद रखिएगा उत्तर लेंस की फोकस दूरी जो होती है ना प्लस में होती है प्लस में होती है ये और इसी पर बना देना है हमको कह रहा है कि वन प्लस डी का मान तो पच्चीस हो गया और कितना फोकस दूरी है पांच सें चलिए यहाँ पर आवाज क्लियर हो गया होगा अब आवाज आ गया होगा कोई बात नहीं है बैटरी खत्म डिस्चार्ज हो गई थी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी यह बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तर लेंस होता है कम फोकस दूरी वाला कि ज्यादा फोकस दूरी वाला तो देखिए यही यही कंडीशन सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा वस्तु को फोकस दूरी के अंदर रखा गया है एफ बारह वाला एफ है और पी है और पी माने ऑप्टिकल सेंटर होती है प्रकाशीय आपका केंद्र होती है दोनों के बीच में वस्तु को रखिएगा यहाँ वस्तु रखा गया है हमारा वस्तु हो गया यहां पर तो दोनों के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा सीधा इसी सिद्धांत पर सिंपल माइक्रोस्कोप काम करती है सिंपल माइक्रोस्कोप इसी सिद्धांत पर काम करती है तो हमारे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आ गया ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा अगला सवाल है कि सभी तारों की चमक डैश का निकट संबंध होता है इसके इनके तारों का रंग जो होता है ना हर एक तारा का रंग अलग अलग होता है और तारों का रंग उसके तापमान का सूचक होता है तारों का रंग जो होता है उसके टेम्परेचर को बतलाता है हरेक तारा का रंग अलग अलग होता है कि हरेक तारा का आपका टेम्परेचर अलग अलग होता है जिसके कारण वो अलग अलग रेडिएशन करता है अलग अलग वेवलेंथ वाले रेडिएशन उत्सर्जित करता है तो तारों का रंग उसके तापमान का सूचक होता है टेम्परेचर का इंडिकेटर होता है तो आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर सी तारों का रंग उसके तापमान का सूचक होता है लिख दे रहे हैं तारों का रंग तारों का रंग उसके तापमान का उसके तापमान का सूचक होता है इंडिकेटर सूचक होता है तारों का रंग उसके तापमान का सूचक होती है यही बात हमारे महान वैज्ञानिक विन साहब अपने डिस्प्लेसमेंट लॉ में बतलाए थे विन साहब डिस्प्लेसमेंट लॉ में यही बात बताए थे चलिए आगे बढ़ जाते हम लोग अगले सवाल की ओर उसमें विकिरणों की गति होती है एक चीज देखिएगा जितना भी उष्मीय विकरण होती है उष्मीय विकिरण माने कि हीट रेडिएशन जो होती है ये सब का सब विद्युत चुंबकीय तरंग है ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव हो गया और इस सब की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है ये सब का सब न्यूट्रल होता है चाल बराबर हो गया कहिएगा बराबर तीन गुने दस का पावर आठ मीटर पर सेकेंड होता है यह सब की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है तो कह रहा है कि उसमें विकिरण की गति होती है ध्वनि के बराबर प्रकाश के बराबर परासरभ तरंग के बराबर इनमें से कोई नहीं तब परासरव तरंग जो है ध्वनि तरंग का ही एक हमारा ध्वनि तरंग ही होती है जिसकी आवृत्ति 20 किलो हज से ज़्यादा होती है तो कौन हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है अगले सवाल पर आते हैं हम लोग जीरो डिग्री सेल्सियस पर एक ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक काम करना पड़ेगा ये बताइएगा जीरो डिग्री सेल्सियस पर एक ग्राम बर्फ को पिघलाना है यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो गया हमारा बर्फ हो गया अभी ये ठोस है ये जीरो डिग्री सेल्सियस पर है एक ग्राम है हमारा ये एक ग्राम है और बताइए बर्फ है तो अगर ये बर्फ जीरो पर है अगर ये पानी में बदल रहा है तो अवस्था बदलेगा अवस्था बदलेगा तो इसका टेम्परेचर वही रहेगा द्रव्यमान वही रहेगा और यही अवस्था बदलने वाली उष्मा को गुप्त उष्मा कहा जाता है लेटेंट हीट कहा जाता है कहा गया है कि यहाँ पर अगर ये पानी में बदल रहा है ये यहाँ पर हमारा ये पानी हो गया तो ये बताइएगा पानी का टेम्परेचर जीरो ही रहेगा द्रव्यमान कितना रहेगा एक ही ग्राम रहेगा तो यहाँ पर जो अवस्था बदल गया है अवस्था बदल गया तो यहाँ अवस्था बदलने वाली उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं और यहाँ लगा होगा अस्सी कैलोरी उषमा अस्सी कैलोरी और नहीं तो अस्सी गुने फोर पॉइंट टू जूल फोर पॉइंट टू जूल यानी तीन सौ छत्तीस जूल यहाँ काम करना पड़ा होगा तो कहिएगा यहाँ बर्फ का ये गुप्त उष्मा होती है ये लैटेंट हीट होती है लैटेंट हीट तो बताइए एक ग्राम बर्फ़ है जीरो डिग्री सेल्सियस पर है पानी में बदल गया तो इसके तापमान में और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यहाँ पर ये अवस्था को बदलने में कितना उष्मा लगा अस्सी कैलोरी अस्सी कैलोरी उष्मा लगा या इसी को कह दीजिएगा तीन सौ छत्तीस जूल लगता है अवस्था बदलने के लिए उष्मा का जो मान होता है क्यू बराबर एम इंटू एल होती है क्यू बराबर एम इंटू एल एल का मतलब होता है लैटेंट हीट ये होता है लैटेंट हीट होती है गुप्त उष्मा होती है लैटेंट हीट होती है और बर्फ के लिए कितनी होती है तो कहिएगा बर्फ के लिए होता है अस्सी कैलोरी पर ग्राम कैलोरी एक ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितना कैलोरी अस्सी कैलोरी उषमा की आवश्यकता होती है या तीन सौ साठ सौ छत्तीस जूल उष्मा की आवश्यकता होती है कैलोरी को अगर जूल में बदलना है तो उसमें फोर पॉइंट टू से गुना कर दिया जाता है तो कौन हो जाएगा जीरो डिग्री सेल्सियस पर जीरो पर रहेगा तभी अवस्था बदलेगा अगर माइनस में रहेगा तो उसको जीरो पर लाना पड़ेगा क्यू बराबर एम एस डेल्टा थीटा से तो कितना हो जाएगा कहिएगा अस्सी कैलोरी कैलोरी मैंने सब जूल में आता तीन सौ छत्तीस जूल हो जाएगा आंसर अगला सवाल है कि लाल रंग की तरंग दर्द से अधिक तरंग दर्द के प्रकाश को क्या कहा जाता है लाल रंग से ज्यादा तरंग दर्द लाल रंग की तरंग दर्द से अधिक तरंग दर्द होना चाहिए तो यहाँ देख लो भाई क्या है आर एम आई भी यू एक्स जी अब यहाँ पर भी को हम सात भागों में बांटते हैं ये भी को हम लोग सात भागों में बांटते हैं तीन चार पाँच छे और ये सात अब यहां पर कर दीजिएगा आप लोग भी आई बी जी वाई ओ आर इधर से इधर जा रहे हैं तो तरंग दर्द क्या होगा घटेगा और ये हमारा देखने वाला होता है इधर से इधर जाते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि तरंग दर्द का मान क्या होता है घटता है लेकिन आवृत्ति और ऊर्जा का मान आवृत्ति और ऊर्जा यहाँ पर भी कह दीजिएगा आवृत्ति एवं ऊर्जा आवृत्ति एवं ऊर्जा जो होती है ना ये कहिएगा बढ़ेगा आवृत्ति और ऊर्जा बढ़ेगा तरंग दर्द घटेगा यहाँ पर भी वही भात भाज होती है ये हम लोग नहीं देखते हैं अदृश्य होती है और ये भी हम लोग नहीं देखते हैं हमारी आंखें इसको देखती है यह दृश्य को देखती है भी जी और भी आई बी जी वाई ओ आर भी माने दृश्य प्रकाश होती है और दृश्य प्रकाश के सात गो पार्टनर होते हैं लाल होते हैं लाल से ले लग रही है भी आई बी जी वाई ओ आर बैजनी हापी नाला कि लाल रंग की तरंग दर्द से अधिक बताइएगा लाल से भी ज्यादा लाल से भी ज्यादा तरंग दर्द कौन है हमारा इंफ्रा होती है लाल से भी ज्यादा औरत का होता है और लाल से भी ज्यादा औरत का लाल यही ना है जी तो लाल इसी का ना पार्टनर है भी का तो इससे ज्यादा तरंग दर्द कौन है हमारा आई का है आई से भी ज्यादा एम का एम माने माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग और इससे भी ज्यादा आर का होगा सब गलती बतला रहा है सब गलती बतला रहा है बताओ ये यही पढ़ता है सब बी नंबर हमारा आंसर सही होगा बी नंबर होगा आई का मतलब होता है इंफ्रा रेड होती है आई माने होता है इंफ्रा इंफ्रा रेड होती है औरत होती है, है।, है। माने माइक्रोवेव होती है आर माने रेडियो वेव होती है प्रश्न का जवाब हो जाएगा औरक्त औरक्त हो जाएगा औरक्त कि लाल रंग की तरंग दर्द से अधिक तरंग दर्द के प्रकाश को क्या कहेंगे लाल से ज्यादा हमारा औरक्त का भी माइक्रो का भी रेडियो का तो इसे कौन दिया है तो कहिएगा परा बैगनी तो हमारा बैगनी से भी कम होती है बैगनी यहाँ पर यह है भी, भी से भी कम तरंग दर्द परा बैगनी का होती है <laughs> पर चौदह परमाणु संख्या वाले एक तत्व के नाभि में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कह रहा है कि चौदह परमाणु संख्या वाले एक तत्व के नाभिक में नाभिक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि नाभिक में नाभिक में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने नाभिक में है नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है भाई नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है सी नंबर ऑप्शन सही करो नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होती है नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होती है एकदम नहीं होती है नाभिक में कौन कौन होता है प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन होता है नाभिक में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होती है सही बात है यहाँ पर आंसर बन गया आपका यहाँ अगला है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एफ है यदि उनके बीच की दूरी को घटाकर प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाए तो उनके बीच बल का बल ब, का, आपका बल का मान अब हो जाएगा कह रहा है कि दोनों के बीच में एफ बराबर कह रहा है कि जी एम वन इंटू एम टू बटा आर स्क्वायर आर स्क्वायर है ये हमारा बल का मान दिया हुआ है कि एफ है और कह रहा है कि दूरी के मान को घटाकर आधा कर दिया जाए दूरी से संबंध रखना है इसको तो अब बताइएगा दूरी के मान को घटाकर आधा कर दिया जाए तो दूरी के मान को जितना कीजिएगा वहां पर ये मान आर के जगह पर वही मान भरिएगा तो अब बताएंगे प्रश्न से हम लोग आ जाएंगे एफडेस बराबर वन बटा कहिएगा आधा कर दिया जाता है एक बटा दो का स्क्वायर तो कहिएगा चार गुना हो जाएगा फोर टाइम्स हो जाएगा ऐसा कोई ऑप्शन है तो यस फोर एफ हो जाएगा अगर तीन ती, अगर अगर ये अगर कह देगा एक बटा थर्ड कह देता तो एक बटा तीन का स्क्वायर नौ गुना अगर दुगुना कहता तो दो का स्क्वायर चार हो जाता एक बटा चार गुना माने चौथाई हो जाता चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बिना इंजाइम वाला पाचक रस कौन है इस वो, वो कौन सा पाचक रस है भोजन को पचाने वाला हमारा आ, रस है जिसमें इंजाइम नहीं होता है इंजाइम नहीं होती है तो कहिएगा पीत की बात करते हैं बाइल हो गया पीत का मतलब बाइल हो गया और बताइएगा पी आई डबल पित्ता कर दिया है, पीत का मतलब बाइल होता है इंग्लिश टर्म गलत है यहाँ पर इंग्लिश को सुधारो यार इसको भी सुधारो यहाँ लाड़ हो जाएगा यहाँ पर बाइल का मतलब होता है बाइल हो गया यहां पर बाइल हो गया यहाँ पर यहां लाड़ का मतलब होता है सलाइवा सलाइवा यहां पर इसको मिटा दो भाई इसको मिटा दो ना यार इसको यहां पर लाड़ हो जाएगा लाड़ ये हो जाएगा लाड़ हो जाएगा लार हो जाएगा लाड़ हो और बताइए आंत रस आंत रस का मतलब क्या होता है कहिएगा आँत रस का मतलब इंटेस्टाइनल जूस होती है लार का मतलब सलाइवा अमाशय रस का मतलब कि गैस्ट्रिक हमारा अमाशय रस का मतलब हो गया गैस्ट्रिक जूस हो गया यह हो गया गैस्ट्रिक जूस हो गया यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस में भी हमारा इंजाइम होती है आंत रस में भी इंजाइम होती है लेकिन पीत में कोई इंजाइम नहीं होती है कहिएगा नो इंजाइम इसमें कोई इंजाइम नहीं होती है लेकिन इसमें लवण पाया जाता है पीत लवण का काम क्या है पीत लवण पीत लवण बताइए काम क्या, क्या करता है पीत लवण का काम होता है वसा का पायसीकरण करना वसा का पायसीकरण पायसीकरण वसा का पायसीकरण करता है इमल्सिफिकेशन करता है पायसीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इमलसीफिकेशन इमल्सीफिकेशन करने का काम करता है इमल्सिफिकेशन इमरसीफिकेशन चलिए देखिए यहाँ पर फिर से मिटाना पड़ेगा इसको फिर से सुधारो यार इसको हटाओ यहाँ देखिएगा पीत हो गया यहाँ पर पित्ता हो गया इसको सुधार दो भाई इसको इसको भी सुधार दो भाई यहाँ पर ये भी थोड़ा सा के चलते सब अथी हो गई यहाँ पर कहिएगा बाइल होता है ये यह हमारा यहाँ पर सलाइवा ये सलाइवा होती है ये यह, और यहाँ पर कर दीजिएगा इसको आप लोग इसको आप लोग कर दे यार इसको कर दो ना आपका बलार नहीं है यहाँ पर ये ये बलार नहीं करना यहाँ पर इसको कर दीजिएगा आप लोग लार कर दीजिएगा लार का मतलब क्या होता है सलाइवा होती है लार का मतलब सलाइवा होती है तो ये पीत का मतलब हो गया बाइल हो गया सलाइवा हो गया ये सलाइवा हो गया आमाश रस का मतलब होता है गैस्ट्रिक जूस होती है ये गैस्ट्रिक जूस होती है कहिएगा ये, ये पीत रस में कोई इंजाइम नहीं पाया जाता है ये पीत रस में नो इंजाइम कहिएगा नो इंजाइम ये नो इंजाइम कोई इंजाइम नहीं पाया जाता है लेकिन पीत लवण पाई जाती है लवण पीत साल्ट बाइल साल्ट का काम है वसा का पायसीकरण करना वसा को छोटे छोटे अणुओं में माने कि बड़े बड़े वसा को छोटे छोटे में तोड़ने का काम करता है बाइल साल्ट करता है बाइल साल्ट तो इसमें कहिएगा नो एंजाइम इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है जिसका नाम है पीत रस क्या नाम है पीत रस नाम है जो कि यकृत का सेक्रेशन है लीवर का सेक्रेशन है कहिएगा पीत जो है ना लीवर द्वारा स्रावित लीवर द्वारा स्रावित होती है स्रावित होती है लीवर स्रावित होती है लीवर द्वारा स्रावित लीवर द्वारा श्रावित होती है हमारा आंत रस का मतलब कि इंटेस्टाइनल जूस होती है इंटेस्टाइनल जूस होती है छोटी आंत द्वारा आपका श्रावित एंजाइम होती है जो भोजन को पचाने का काम करती है आमाशय रस का मतलब गैस्ट्रिक जूस होती है और इस गैस्ट्रिक जूस में एस पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है रेनिन एंजाइम पाया जाता है लाइपेज इंजाइम पाई जाती है इसमें चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अगला सवाल है कि जब किसी ऊंचे वृक्ष से सेब गिरता है तब एक चीज देखिएगा जब यहां से आप किसी वस्तु को गिराइएगा यहां से किसी वस्तु को गिराइएगा तो इस वस्तु पर गुरुत्व बल काम कर रहा है तो इसको पृथ्वी जितना बल लगाकर खींच रही है ये भी तो पृथ्वी को उतना ही बल लगाकर खींचेगा ये भी पृथ्वी को उतना ही बल लगाकर खींचेगा मतलब कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है यही बात हमारे न्यूटन साहब अपने थर्ड लॉ में बतलाए थे तो सवाल कर रहा है कि जब किसी ऊंचे वृक्ष से सेब गिरता है तब केवल पृथ्वी ही सेब को आकर्षित करती है दूसरा केवल सेब ही पृथ्वी को आकर्षित करती है दोनों पृथ्वी और सेब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं दोनों में से कोई एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है ऑप्शन नंबर सी सही है दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ अगला सवाल देखिएगा सरल लोलक में एल लोलक की लंबाई तथा टी स्क्वायर माने टी माने आवर्त काल का ग्राफ एल टी स्क्वायर यहाँ एल कर देना भाई यहाँ एल टी स्क्वायर एल टी स्क्वायर ग्राफ क्या होती है तो याद रखिएगा सरल लोलक की लंबाई और आवर्त काल में पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच में ग्राफ क्या होती है ग्राफ का मान पूछ रहा है ना तो याद रखिएगा टीएल ग्राफ खाली टीएल ग्राफ पूछेगा तो टीएल ग्राफ बराबर परवलयकार परवलयाकार होती है, परवलयाकार होती है पाराबोलिक होती है पाराबोलिक होती, होती है टी स्क्वायर एल ग्राफ जो होती है ये ये कह दीजिएगा सरल रेखा ये होता है सरल रेखा होता है स्ट्रेट लाइन होती है ये तो कह रहा है कि टी स्क्वायर एल ग्राफ मान एल टी स्क्वायर ग्राफ पर कार नहीं अगर टीएल ग्राफ रहता तो तब एक सरल रेखा होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है ऑप्शन नंबर बी सही है ऑप्शन नंबर बी सब गलती सलती देते रहता है सब जवाब सब गलती सलती जवाब मत दीजिए अभी आप लोग खैर कोई बात नहीं अभी गलती ना दीजिएगा तो कब गलती दीजिएगा अभी आप लोग गलती कर दीजिए लेकिन बाद में एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो गलती मत कीजिएगा इसी गलती को तो सुधारने के लिए हमने 20 क्वेश्चन का सीरीज लाया है डेली 20 क्वेश्चन एकदम लगातार बीस क्वेश्चन एकदम धुआंधार बैटिंग एकदम हम लोग ट्वेंटी ट्वेंटी मैच नहीं खेल रहे हैं हम लोग पाँच पाँच ओवर का मैच खेल रहे हैं पाँच पाँच ओवर पहले दस ओवर का खेलना है ओकरा बाद दस ओवर से हम कर देंगे आठ ओवर का फास्ट खेलना है उसके बाद में आपका पांच ओवर का कर देंगे और जब अंतिम समय आएगा तो ओवर का कर देंगे बॉस तीन ओवर माने अठारह बॉल और बाद में देखेंगे कि कितना आप लोग छक्का चौका उड़ा रहे हैं ठीक ना हाँ यही करना ही है चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग यहां पर अब <laughs> पानी में ध्वनि की चाल पानी में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल का चार गुना है तो बताइएगा कह रहा है यहाँ पर कि आपका पानी में ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल जो है कह रहा है कि भी वायु में ध्वनि की चाल का एयर भी एयर का मान भी दे दिया गया है तब तो भी वाटर की बात करेंगे वाटर कह रहा है तो फोर भी हो गया सही बात है कि हवा में ध्वनि की चाल देखिए ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में उससे कम द्रव में सबसे कम होता है गैस में और सवाल यह दिया हुआ है कि हवा में ध्वनि की चाल भी है पानी में ध्वनि की चाल इसके चाल का चार गुना है जब इन आवृत्ति तथा लैमडा तरंग दर्द की एक ध्वनि तरंग वायु से पानी में प्रवेश करती है तो बताइए इसमें स्पीड इस जब ज्यादा है तो ज्यादा दूरी तय करेगा ना ये ये ज्यादा दूरी तय करेगा तो भी बराबर आप लोग पढ़े हैं, भी बराबर पढ़े हैं तो कह रहा है कि आपका तरंग की एक ध्वनि तरंग आपका ध्वनि तरंग वायु से पानी में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति और तरंग दर्द क्रमशः क्या हो जाएगा तो उसकी आवृत्ति और तरंग दर्द ये बात तो जानते हैं कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका बेग बदल जाता है तरंग दर्द बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है तो जब हवा से पानी में या पानी से जब हवा में जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बताइए वाटर में इसका जो स्पीड इस है हवा में स्पीड का चार गुना है तो तरंग दर्द का मान चार गुना हो जाएगा क्योंकि भी बराबर होता है एन लेमडा भी बराबर एन लैमडा होती है तो कह दीजिएगा कि लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी के दे लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी के तो बताइएगा भी का मान इसका हमारा वाटर में चार है चार गुना है उसके अपेक्षा तो लेमडा का मान भी चार गुना होगा लेकिन आवृत्ति पर कोई फर्क है? नहीं पड़ता है तो बताइएगा एन और क्या हो जाएगा आई एन हो जाएगा एन फोर लेमडा हो जाएगा एन एन फोर लेमडा सही बात है सब लोगों का आने लगा ऑप्शन <coughs> जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग और तरंग दर्द बदल जाता है लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है यही बात ध्यान में रखना है अगला सवाल है कि एक सरल सूक्ष्मी की फोका दूरी पांच सेंटीमीटर है देखिए ये सवाल रिपीट कर गया है ये ये सवाल रिपीटेड सवाल है रिपीट कर गया है रिपीट सवाल रिपीटेड रिपीटेड हो गया है ये सवाल रिपीट कर गया है रिपीटेड ये रिपीटेड सवाल हो गया रिपीट कर गया ये सवाल हमारा चलिए रिपीट कर गया यहां पर सवाल आपका आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कॉकरोच के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है कॉकरोच देखिए ना कॉकरोच कॉकरोच के हृदय में हॉट के कितने चैंबर होते हैं हॉट के कितने चैंबर तो कहिएगा तेरह गो चेंबर होता है सर तेरह गो चेंबर होता है अगर हम कह देंगे कि स्तनधारी में स्तनधारी हो गया पक्षी हो गया आपका इस सब में चार गो होता है आप कहेंगे यहाँ पर स्तंधारी पक्षी में यहाँ पर कहिएगा उभयचर उभयचर की बात करते हैं अच्छा आपका उभयचर हो गया एम्फीबियंस हो गया और रेप्टाइल्स हो गया रेप्टाइल्स में देखा जाएगा तो तीन गो होता है यहीं पर उभ स्तनधारी पक्षी ये सब में जितना भी स्तनधारी हो चाहे हुएल हो चाहे आपका डॉल्फिन हो कोई भी स्तनधारी हो उसमें चार गो होती है उभ रेप्टाइल्स में तीन गो होती है अगर वही मछली की बात किया जाएगा तो मछली में दो गो होती है तो ये बात याद रखिएगा और तेलचट्टा में तेलचट्टा में मान के कॉकरोच में हमारा तेरह गो होती है लेकिन मगर मच्छ मगर मच्छ की बात करते हैं तो चार गो मगरमच्छ हमारा रेप्टाइल्स में ही आता है लेकिन एक अपवादिक है जिसमें हृदय के कितने चेंबर चार चैम्बर होते हैं चलिए अगला अगला आ जाते हैं किसी पिंड पर आरोपित बल बराबर होता है एक बात बताइएगा ये हमारा पिंड हो गया इस पर जो बल लग रहा है ये कौन बल लग रहा है गुरुत्व बल लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है यहाँ पर तो किसी पिंड पर आरोपित बल बराबर होता है तो देखिए किसी पिंड पर आरोपित बल जो होती है जैसे एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है नीचे में जो गुरुत्व बल लगेगा किसी भी वस्तु को पृथ्वी आपका आपका अपने केंद्र की ओर इसी बल द्वारा खींचती है गुरुत्व बल हो गया जो एफ बराबर हमारा हो गया एम जी के एफ़ बराबर एम जी यही होता है भार के बराबर वेट के बराबर यही होती है वेट के बराबर मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर लगने वाली गुरुत्व बल जो होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और छोटा वाला जी के गुणनफल के बराबर होती है छोटा वाला जी के गुणनफल के बराबर होती है तो ये बताइएगा डब्लू एफ बराबर होता है एम जी एफ बराबर एम जी तो एफ बराबर एम जी ही भार के बराबर होता है वेट के बराबर होता है तो किसी पिंड पर आरोपित बल बराबर होता है उसके संवेग के नहीं उसके संवेग के परिवर्तन के अब यहाँ देखिए उसके संवेग के परिवर्तन के दर के अब यहाँ पर तो ये गो ये हो गया अब ए गो तो ये हो गया लेकिन सिंपल वाला पूछ रहा है हमसे ये बताइए एफ बराबर होता है एम आपका ए में तो यहां पर आप ये भी कह सकते हैं यहां पर कि और कर एफ बराबर होता है एम भी माइनस एमयू बटा टी कर दीजिएगा इसी को कहिएगा संवेग में परिवर्तन की दर कहिएगा किसी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल का समानुपाती होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ है एफ बराबर कहिएगा एम भी माइनस एमयू बटा टी इसी को कहिएगा संवेग में परिवर्तन की दर और यही कैलकुलेट कीजिएगा तो एम ए के बराबर आ जाएगा एम ए के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि बताइएगा किसी 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 पिंड पर आरोपित बल बराबर होता है कहिएगा संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर या अब इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि यह हमारा गुरुत्व बल के लिए हमने लिख दिया है आप कंफ्यूज कर जाइएगा इसी कारण इसको हटाना पड़ा हमको किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर आप इसी को लिख सकते हैं ना एम कॉमन ले लीजिएगा भी माइनस यू बाई टी और -U T बराबर एम ए हो जाएगा यही हो गया और खाली रहेगा कि संवेग में संवेग में परिवर्तन किसके बराबर आवेग के बराबर खाली रहेगा कि संवेग में परिवर्तन संवेग में अगर खाली परिवर्तन रहेगा तब ये कह दीजिएगा आवेग के बराबर होता है इंपल्स के बराबर होता है तब ये कहिएगा इंपल्स के बराबर होती है प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका <laughs> <laughs> यहां ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखिएगा तो कहिएगा कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होती है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होती है अगर डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो यह होता है असंतृप्त होती है यह होता है असंतृप्त होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है हाइड्रोकार्बन एससी का मतलब हाइड्रोकार्बन और इसके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में और इसके अंतर्गत आता है एक एग्जाम्पल में एलकेन आता है इसके अंतर्गत एलकेन आता है और इसके अंतर्गत आता है एल्किन आता है एल्किन आता है और एल्काइन आता है एल्कीन और एल्काइन आता है इसका सूत्र तो जानते हैं आप लोग एल्केन का सी एन एच टू एन सी एन एच टू एन प्लस टू होती है इसमें कहिएगा सी एन एच टू एन सी एन एच टू एन होती है और इसमें कहिएगा सी एन एच टू एन माइनस टू होती है यहाँ एन का मान एक से लेना होगा एक दो तीन डॉट जहाँ तक जाना है जा सकते हैं और इसमें एन मान दोनों में दो से लेना है एन का मान दो से लेना है तो बताइए यहाँ पर कौन हो जाएगा संतृप्त में हमारा ब्यूटेन देखिए इसमें ए, ए है कि नहीं है तो एन ई लगा रहेगा तो सिंगल बॉन्ड होता है इ एन ई लगा रहेगा तो डबल बॉन्ड होता है और वाई एन ई लगा रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है तब ब्यूटेन है ये सिंगल बॉन्ड वाला है एथिलीन है एथिलीन है हमारा एथिलीन है ये हमारा ये डबल बॉन्ड वाला है एसिटिलीन है एसिटिलीन को ही हम लोग कहते हैं आपका एथाइन एथाइन कहते हैं इसी का नाम है ए टी एच वाई एन ई एथाइन हो गया हमारा ये और ये प्रोपेलीन है ये भी हमारा लीन है है, डबल बाउंड वाला है कौन नंबर होगा एक नंबर आंसर सही होगा हमारा एक नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमने आप पूरा डिटेल्स लिख दिया आपको कि कौन एल्केन है कौन एल्केन है कौन एल्काइन है तो डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड वाला असंतृप्त में आता है सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त में आ जाता है <laughs> चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं खाना पकाने के बर्तनों के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट देखिए खाना पकाने वाला बर्तन जो होते हैं ना वही सबसे अच्छा होता है जिसमें उष्मा दिया जाए उष्मा दिया जाए उष्मा को तुरंत लेने लगे तुरंत वो कैच करने लगे उष्मा दे रहे हैं तुरंत कैच करने लगे मतलब की तेजी से उष्मा लेने लगे तो जो पदार्थ उष्मा को तेजी से लेता है तेजी से लेता है उसका विशिष्ट उष्मा कम होती है तो खाना पकाने वाले बर्तनों का विशिष्ट कम ही होनी चाहिए जब कम रहेगा, तो धाय -धाय लेगा, तेजी से लेगा और उष्मा लेने के बाद में उसको रोक उसको ऐसे नहीं करना है उसको स्टोर नहीं करना है उष्मा तो लिया धाए धाएं क्योंकि विशिष्ट उष्मा कम है और तुरंत उसको चारों तरफ फैला दे उसकी चलकता उसकी चलकता थर्मल कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए तो खाना पकाने वाले बर्तनों का विशिष्ट उष्मा कम होनी चाहिए और उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए यही है खाना पकाने वाले बर्तनों का विशेषता तो खाना पकाने वाले बर्तनों के लिए आपका लिए विशिष्ट उषमा विशिष्ट उष्मा कहिएगा कम विशिष्ट उष्मा कम होनी चाहिए और याद रखिएगा उसमें चलकता का मान क्या होनी चाहिए अधिक होनी चाहिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो कहिएगा निम्न और उच्च यस राइट ऑप्शन इज एक नंबर <coughs> कम होगा तब ना तेजी से उष्मा लेगा और चलकता ज्यादा होगा तो तुरंत उषमा को चारों तरफ फैला देगा पूरे बर्तन में तुरंत फैला देगा बर्तन तुरंत गर्म हो जाएगा और खाना जल्दी पक जाएगा <coughs> अगला है कि पाराध्वनिक विमान उड़ते हैं याद रखिएगा पाराध्वनिक चाल होती है एगो एगो हमारा पाराध्वनिक चाल होती है देखिएगा तो कहिएगा पाराध्वनिक चाल का मतलब क्या होता है कहिएगा वस्तु की चाल जो होती है ध्वनि की चाल से ज्यादा कहिएगा वस्तु की चाल किसी वस्तु की चाल किसी वस्तु की जो चाल होती है चाल ग्रेटर देन हवा में ग्रेटर देन हवा में ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल उसी माध्यम में जो ध्वनि की चाल से मतेगा वस्तु की चाल अगर ज्यादा हो जाएगा उसी माध्यम में जो ध्वनि की चाल है उसकी चाल से तो वस्तु के इस प्रकार की चाल को पराध्वनिक चाल कहा जाता है और पराध्वनिक चाल के लिए होता है मैक संख्या कहिएगा मैक संख्या ग्रेटर देन वन होती है ग्रेटर देन वन होती है और याद रखिएगा पराध्वनिक विमान जो होती है ना पराध्वनिक विमान हवा की चाल से माने कि पराध्वनिक विमान उड़ते हैं हवा की चाल से नहीं ग्रेटर देन कहिएगा आपका किसी वस्तु की चाल ग्रेटर देन हवा में ध्वनि की आपका हवा हवा में ध्वनि की हवा में ध्वनि की चाल <laughs> हवा में ध्वनि की चाल हवा में ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से हवा ध्वनि की चाल से अधिक ध्वनि के चाल से कम कौन नंबर होगा सी नंबर हो जाएगा कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी वस्तु की चाल हवा में ध्वनि के चाल से अधिक होती है तो वस्तु के इस प्रकार की चाल को ही पराध्वनिक चाल कहा जाता है तो किसी वस्तु की चाल ग्रेटर देन हवा में ध्वनि की चाल तो ऐसे चाल को पराध्वनिक चाल कहते हैं इसके लिए मैक संख्या का मान एक से ज्यादा होती है तो मैक संख्या क्या है तो कहिएगा किसी वस्तु की चाल और बटा हवा में उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है मैक नंबर के नाम से जाना जाता है चलिए हम लोग फिर कल मिलेंगे कल नहीं सोमवार को मिलेंगे आपका स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड इंग्लिश में सब हमारा गलत है ये इंग्लिश वाला सब टर्म गलत है ये इंग्लिश में सब गलत है हमारा इसको हटा दीजिए इंग्लिश वाला हटा दीजिएगा